गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 2 ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ क्लास 7। सो लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज द ट्रूथ। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमको हमेशा सच ही बोलना चाहिए। ट्रूथ इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग विदाउट एनी बायस, प्रेजुडाइस एंड पार्शियलिटी। बाय प्रैक्टिसिंग द ट्रूथ वन डज नॉट सप्रेस्ड द वॉइस ऑफ द कंसाइंस। बहुत सिंपल सी चैप्टर है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड नेवर स्पीक लाई, वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ। तो आज हम बस इसी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द चैप्टर यू कैन डू बाई योर सेल्फ लाइक यू ऑल आर ग्रोन अप चिल्ड्रन, बट आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन इट टू फॉर यू एंड यू डू इट बाई योर सेल्फ। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी और आप इसको अपने आप ही करेंगे। सो यू हैव टू राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्पीकिंग द ट्रूथ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप। सच बोलना किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन होता है। येस या नो, इट शुड बी डिसाइडेड ओनली बाई यू। नेवर पार्ट विद योर ट्रूथ इन एनी सर्कमस्टांसिस। देन ट्रूथ इज़ द वैल्यू विच गिव्स अप यू द इनर स्ट्रेंथ। जो सच्चाई है वो एक ऐसा मूल्य है, एक ऐसी वैल्यू है जिससे कि आपको इनर स्ट्रेंथ मिलती है। येस और नो, इट इज़ अप टू यू। डिसऑनेस्ट पर्सन डोंट फाइंड प्लेस इन गुड सोसाइटी। जो बेईमान लोग होते हैं वो समाज में एक अच्छी जगह नहीं पा पाते हैं। फिफ्थ इज स्पीकिंग अनट्रूथ शोज वीकनेस ऑफ अ पर्सन। अगर आप झूठ बोलते हैं तो इससे पता चलता है कि आप में वीकनेस है। वी शुड अवॉइड टेलिंग लाइज इवन वाइल जोकिंग। हमें जोक करते समय, जब हम मजाक करें तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम झूठ ना बोलें। वी शुड नेवर ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ इन टफ सर्कमस्टांसेस। अगर हालात बहुत ही मुश्किल हों तब हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए सच बोलने की। देन एट इज इफ़ यू स्पीक ट्रूथ यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। अगर आप सच बोलेंगे तो आपको अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। देन नाइन्थ, इफ़ यू स्टे विद ट्रूथ योर कंसाइंस सपोर्ट योर ग्रेटली। अगर आप सच बोलेंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको सपोर्ट करेगी। इफ़ यू स्पीक ट्रूथ पीपल स्टार्ट लूजिंग फेथ इन यू। अगर आप सच बोलना शुरू कर देंगे तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर से ख़त्म होने लगेगा। इफ अ पर्सन स्पीक्स ट्रूथ इट मेक्स हिम वीक। अगर कोई इंसान सच बोलता है तो इससे वो वीक होता है। देन लास्ट है ट्रूथ मेक्स द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। कि सच बोलने से किसी इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, दीज आर 12 पॉइंट्स। यू हैव टू रीड इट केयरफुली एंड राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।